हाय, दिस इज अर्षित। वेलकम टू 80 क्लासेस। आज मैं आपको सिखाऊंगा एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर। आपने डिस्पर्शन पढ़ा रहेगा, इफ डिस्पर्शन नहीं देखा रहेगा तो पहले आप देख के आओ। एटेन्यूएशन बेसिकली होता है कि इट इज द रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट सोर्स। मतलब अभी हम जो एक जब रे पास होता है एक ऑप्टिकल फाइबर से, तो खुद ना तो रिडक्शन होता है उसके अंदर, उसके एम्पलीट्यूड में, उसको एटेन्यूएशन बोलते हैं। अभी क्यों होता है, इसके बेसिकली तीन कारण होते हैं। सो वो तीन कारण है, पहले तो एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर समझो, अब ये ऑप्टिकल फाइबर है तो इसमें समझो जो रेज है, जो पल्सेज है, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो इसके वजह से एक रिडक्शन होता है। फर्स्ट क्या लिखा हमने, एब्जॉर्प्शन। सेकेंड जो है वो है ना, वो स्कैटरिंग बराबर नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई मटेरियल लेते हैं तो उसके अंदर प्रॉपरली ना वो स्कैटर नहीं होता, और उसकी वजह से लॉसेज होते हैं। सो ये सेकेंड। और थर्ड वाला है वो क्या होगा, बैंडिंग लॉसेज। समझो आपका ऑप्टिकल फाइबर जैसे बैंड है ऐसे, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो वो बैंडिंग लॉस के वजह से ये प्रॉपरली हमें जो आउटपुट है वो मिलेगा नहीं। इसमें लॉस होता है ऑफ आउटपुट, लॉस होता है पल्स, जो इलेक्ट्रिक पल्सेज है उनका, राइट। आपने डिस्पर्शन का पहले वीडियो देख लो तो आपको ये और अच्छे से समझेगा। अभी हम इसको है ना, इसका जो यूनिट है हम डीबी पर किलोमीटर लिखते हैं। अभी पर किलोमीटर क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका क्या है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इनपुट पे क्या होता है, जो होता है वो आउटपुट पे कम मिलता है। तो हम क्या लिखते हैं कि इट इज द रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रैवल, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि उतना तो रेडियस हुआ है। सो हम वही लिखते हैं। सो आप जैसे देख सकते हो, मैं आपको पूरा आंसर पढ़ के बताता हूँ। इट इज अ रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रैवल थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम, थ्रू डिस्टेंस ट्रैवल, ओके। ट्रांसमिशन मीडियम मतलब ही ऑप्टिकल फाइबर। अभी पावर ऑफ लाइट एट आउटपुट इज लेस देन इनपुट पावर, मतलब वही बोला कि जो लास्ट में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कम मिलेगा, फाइन, इनपुट से, क्योंकि क्या हुआ, कुछ एटेन्यूएशन हुआ, कुछ लॉस हुआ है। अब इसका एक फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू 10 लॉग 10 इनपुट इंटेंसिटी अपॉन आउटपुट इंटेंसिटी, और इसका यूनिट है डीबी अपॉन किलोमीटर। अब इसमें टाइप्स मैंने आपको बताया, एब्जॉर्प्शन लॉसेस, इसमें क्या है, तीन टाइप के होते हैं, फाइन। तो क्या होता है, पहले यूवी एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रिजल्ट्स इन आयोनाइजेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर इंफ्रारेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड इलेक्ट्रॉन्स विद इन द ग्लास मॉलिक्यूल्स कॉजेज हीटिंग, सॉरी। फिर तीसरा आयोनाइजेशन एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या आएगा, जो OH आयन्स है ये ट्रैप हो जाएंगे इन द ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, ओके। फिर सेकंड मैंने आपको बताया स्कैटरिंग लॉसेज। अब स्कैटरिंग लॉसेज क्या होंगे, इसमें क्या होगा, वेरी ग्लास डेंसिटी। अभी क्या आएगा, इसमें मोल्टन मेटल इज कन्वर्टेड इनटू थिन फाइबर अंडर प्रॉपर टेंशन। जो फाइबर हम बनाते हैं, जो ये ऑप्टिकल फाइबर बनता है वो मोल्टन मेटल से बनता है, ठीक है। तो यार वेरी वेरी ग्लास डेंसिटी, उसका जो डेंसिटी है वो वेरी होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वेरीज, बराबर, उसकी वजह से उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी वेरी होगा। तो जो स्कैटरिंग लॉसेज होगा वो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ लैम्बडा, इसके लिए लॉसेज होते हैं। और थर्ड है बेंडिंग लॉसेज। बेंडिंग लॉसेज क्यों होते हैं, क्योंकि देर इज बेंड इन, किधर तो भी बेंड है, उसकी वजह से जो उसके से लॉस इन पावर ऑफ सिग्नल होता है। इसमें क्या होता है, जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ना कम होता है। क्लैडिंग क्या होता है, जो बार का जो सर्फेस ये दिख रहा है, क्लैडिंग होता है और ये कोर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो इसमें क्या होता है, हर टाइम बेंडिंग में ना, जो ये सिंगल मोड होता है बेंडिंग, तो ये जो अंदर जो कोर होता है ये बड़ा होता है, और क्लैडिंग है ना, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। बट क्या होता है, जो रेस पास होते हैं ना, इसमें ना बेंड जो बेंड्स है ना, इसके वजह से क्या होता है, ये जो प्रॉपरली ये पास नहीं हो पाता है, इसीलिए, तो इसे हम बेंडिंग लॉसेस बोलते हैं। तो आप ये पूरा आंसर एक बार लिख लो, चाहिए तो वीडियो स्टॉप करके, मैं आपको चाहिए तो, अगर आप इसका इमेज आपको चाहिए रहेगा तो आप बता दो, मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इफ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू 80 क्लासेस। आप ये पूरा आंसर एग्जाम में लिख सकते हो, ये एग्जाम पूछते हैं, एग्जाम में पूछते ही आंसर, 5 से 5 मार्क के लिए आंसर आता है। तो ये आंसर बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए। इफ आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू 80 क्लासेस एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।